बिहार में चल रहे कुंभ मेले में दो मुख्य स्नान हो चुके हैं और प्रशासन का दावा है कि इन दो स्नान पर अलग अलग 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में भी भीड़ की स्थिति, स्टेशनों पर भीड़ का अभाव और सड़कों पर छाए सन्नाटे को देखते हुए इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों में बेचैनी के बावजूद आत्मविश्वास बना था। मकर संक्रांति को अनुमान था कि 1 करोड़ की भीड़ आएगी। प्रशासन ने पहले इसे 1.84 करोड़ बताया और देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संख्या को 2 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया। वही की जनवरी को पूर्णिमा के 3 भीड़ आंकड़े 1 करोड़ से ज्यादा बताए गए। लेकिन सवाल उठता है कि प्रशासन ने ये आंकड़े जुटाए कैसे? कुंभ पर अरबों रुपए खर्च कर सरकार को क्या मिलता है? सरकार को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन स्थिति ये है कि मेले में आए श्रद्धालुओं की प्रशासन द्वारा बताई गई संख्या पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। तो देखते रहिए खास खबर MNH News के साथ।